हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत जो मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और इसके अंतर्गत हमने जो मौर्यकालीन राजवंश भारत में स्थापित होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि मौर्यों के बाद में भारत में बाहरी शक्तियाँ आती हैं और कुछ आंतरिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो बाहरी शक्तियाँ आ रही हैं उसके बारे में देख रहे थे, और बाहरी शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी कि बाहर से मौर्योत्तर काल में एक तो इंडो ग्रीक आते हैं, शक आते हैं, पहलव आते हैं और कुषाण आते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इंडो ग्रीक हैं या हिंद यवन भारत में आते हैं उसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी और मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और इसके अंतर्गत हमने जो हिंद यवन भारत में प्रवेश करते हैं उनके बारे में हमने देखा था, ठीक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा था कि एक तो डेमेट्रियस वंश और एक जो दूसरा यूक्रेटाइडस वंश भारत में आता है, और यहाँ पर तक्षशिला और साकल को केंद्र बना करके वो शासन करते हैं। अब यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमें बचा हुआ पार्ट है इसका, कि हिंद यवन जो भारत में आते हैं उनके प्रभाव क्या होते हैं, यानी भारत में या भारतीय समाज के ऊपर इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यूनानी संपर्क का जो प्रभाव पड़ता है उसके अंतर्गत नंबर एक की अगर हम बात करें, तो नंबर एक का जो प्रभाव है वो है कि यूनानियों के द्वारा भारत में ज्योतिष के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, यानी ज्योतिष के बारे में सीखा, ठीक है। ज्योतिष के बारे में यूनानियों को काफ़ी जानकारी थी और उस चीज़ को भारतीयों ने भी सीखा, ठीक है। जो दिन का यानी एक दिन का 7 भागों में जो विभाजन है, या 7 दिन में, या ऐसे कहते हैं सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन जो हमें देखने को मिलता है वो यूनानियों की देन थी, यानी सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन जो होता है ये भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा था, ठीक है। आगे अगर बात करें तो नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताना, ये कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी थी, ठीक है। और ऐसी जानकारी हमें मिलती है गार्गी संहिता। इस गार्गी संहिता में ऐसा उल्लेख मिलता है कि वैसे तो जो यूनानी हैं वो बर्बर हैं, लेकिन उनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है, और इस कारण से वो क्या है, पूजनीय भी हैं, ठीक है, यानी उनको आदर्श भी मान सकते हैं, ठीक है, या भारतीय उनके ऋणी हैं, इस कारण से ज्योतिष के कारण से भारतीय उनके ऋणी हैं, ठीक है। एक और विद्वान है भारतीय वराहमिहिर, ये वराहमिहिर हैं, ये भी क्या है, ज्योतिष के कारण ही यूनानियों की बड़ाई करते हैं या यूनानियों को अच्छा बताते हैं, नहीं तो ये भी कहते हैं कि यूनानी मलेच्छ हैं, यानी ब्राह्मीर भी कहते हैं कि यूनानी मलेच्छ हैं, लेकिन उनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है, इस कारण से क्या है कि वो
पूजनीय है या ऋषियों की भांति पूजनीय है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये ज्योतिष के बारे में चर्चा हो गई। एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है वो है सिक्के बनाने की जानकारी या सिक्के बनाने की कला। सिक्के बनाने की कला है वो भी क्या है, यूनानियों से सीखी गई। यूनानियों ने सबसे पहले सिक्का डालने की जो परंपरा है, जिनके ऊपर तिथि वगैरह अंकित होती थी या कोई चिन्ह जैसे अंकित होता था, किसी देवता की मूर्ति या और किसी प्रकार का चिन्ह जिसके ऊपर अंकित होता था, तो ये कला भी यूनानियों से सीखी। ठीक है, ये जो सिक्के होते थे इनमें क्या है, एक तरफ राजाओं की आकृति व दूसरी तरफ अन्य प्रकार के चिन्ह अंकित होते थे। ठीक है, तो खास करके जो सोने के सिक्के डालने की परंपरा है वो यहीं से सीखने को मिलती है, यानी इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के डाले थे यूनानियों ने। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां से सीखने को मिल रही हैं। आगे अगर बात करें, ये क्वेश्चन जैसे हमने बात की सोने के सिक्कों वाली, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने डाले थे, तो वो कौन थे, यूनानी हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, आगे इनके संपर्क की अगर हम बात करें तो इनके संपर्क से, हिंद यवन शासकों के संपर्क से हेलेनिस्टिक शैली का भारत में प्रचार प्रसार होता है। जो यूनानी शैली है हेलेनिस्टिक, उसका भारत में प्रचार प्रसार होता है, और फिर इसका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है कनिष्क के समय, जो कुषाण शासक है कनिष्क, उसके समय गांधार कला के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी यूनानियों की एक महत्वपूर्ण देन थी हेलेनिस्टिक शैली। एक जो पर्दा या जिसको पट्टा छेप बोलते हैं, जो नाटक वगैरह दिखे जाते थे उस समय, यानी नाटकों का जब प्रदर्शन किया जाता था या पर्दे के ऊपर जो नाटक दिखाने की जो कला है वो भी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और इसको नाम दिया गया था यवनिका, यवनिका। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पर्दा की परंपरा है, पर्दा प्रथा की, वो भी कहाँ से आती है, यूनानियों से। और जो पर्दे के ऊपर नाटक वगैरह प्रदर्शित की जाते थे यवनिका के माध्यम से या पर्दा के माध्यम से, ये भी एक यूनानियों की काफी महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये तो क्या था कि यूनानियों से भारतीयों ने सीखा, अब भारतीयों से यूनानियों ने क्या सीखा वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो हिंद यवन है ये भारत के धर्म व दर्शन के ऋणी है, धर्म व दर्शन के ऋणी है। ठीक है, खास करके जैसे योग है आदि चीजों को उन्होंने भारतीयों से सीखा। ठीक है, धर्म से संबंधित चीजों को और जो योग वगैरह या दर्शन से संबंधित चीजें हैं उनका प्रभाव यूनानियों पर काफी पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भागवत धर्म से प्रभावित होकर के जो हेलियोडोरस है वो भागभद्र के दरबार में आता है और खुद भी क्या है भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है। आगे अगर देखें तो जो तपस्या और योग की क्रियाएं हैं, तपस्या व योग की क्रियाएं, इनको
यूनानियों ने भारतीयों से सीखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हिंद यवन शासक आते हैं उनका प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो भारतीयों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो सिक्का डालने की कला है, खास करके सोने के सिक्का का जो प्रचलन होता है वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। पर्दा प्रथा का प्रचलन उन्हीं के द्वारा किया गया है। और ज्योतिष के बारे में उनकी महत्वपूर्ण देन है, सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन जो किया जाता है वो उन्हीं की देन है। नक्षत्रों के द्वारा जो भविष्य बताने की कला है वो यूनानियों की देन है। और भारतीयों के द्वारा उन्होंने योग और दर्शन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। जो योग की अलग अलग कलाएं हैं वो उन्होंने भारतीयों से सीखी। तो ये था जो हिंद यवन शासक हैं उनके बारे में और उनका जो प्रभाव है उसके बारे में। ठीक है, अगला जो विदेशी आक्रमण होता है मौर्योत्तर काल में वो है शक आक्रमण। नंबर 2 का है, ये है शक आक्रमण। और शक आक्रमण की अगर हम बात करें तो शक आक्रमण के अंतर्गत क्या है कि ये लोग भी मध्य एशिया से आते हैं, मध्य एशिया से भारत की तरफ आते हैं शक आक्रमणकारी। और इन्होंने क्या किया कि जो यूनानियों के द्वारा हत्याया गया क्षेत्र था उसके ऊपर ये लोग आक्रमण करते हैं। ठीक है, यानी पहले हिंद यवन आते हैं फिर उसी रास्ते से क्या है शक शासक आते हैं। ठीक है, और इनकी क्या है कुल 5 शाखाएं थी, इनकी क्या है 5 शाखाएं थी। और इन 5 शाखाओं के अंतर्गत होता यह है कि एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में रुक जाती है। ठीक है, शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में रुक जाती है और बाकी जो 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाएं ये भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब इनका जो भारत में आने का जो भारत में प्रवेश करने का है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये 4 शाखाएं भारत में आती हैं तो ये क्या है कि 2-2 के ग्रुप में आती हैं। तो एक तो है क्षत्रप, नंबर 1 तो है उत्तरी क्षत्रप और दूसरा है पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, अगर उत्तरी क्षत्रप की बात करें तो इसके अंतर्गत तक्षशिला व मथुरा थे, मथुरा के नंबर 1 मथुरा के और नंबर 2 हैं तक्षशिला के। यानी उत्तरी क्षत्रप के 2 भाग होते हैं, एक है मथुरा क्षत्रप और दूसरा है तक्षशिला। और पश्चिमी क्षत्रप की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत एक तो है नासिक, नासिक के क्षत्रप और दूसरे हैं उज्जैन के क्षत्रप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो 4 भागों में ये 4 शाखाएं भारत में प्रवेश कर रही हैं शकों की, वो एक है मथुरा वाली, दूसरी है तक्षशिला की, तीसरी है नासिक की और चौथी है उज्जैन की। इस तरीके से 4 भागों में ये भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो तक्षशिला वाला है उसके बारे में, तक्षशिला वाला जो क्षत्रप है उसके बारे में। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तक्षशिला के अंतर्गत होता यह है कि जो इसके प्रथम शासक हैं वो है माउस, प्रथम शासक हैं वो हैं माउस, और उसके बाद में एजेज और एक और आते हैं एजेज के बाद में एजेलिस, एजेलिस। ठीक है, प्रथम शासक तो कौन हो गए माउस तक्षशिला वाली ब्रांच के, और एक होते हैं एजेज और दूसरे होते हैं एजेलिस। ठीक है, और इस तरीके से लगभग 20 ईसा पूर्व से
22 ईस्वी तक 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक इनका लगभग शासन यहाँ पर तक्षशिला में रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मथुरा वाली ब्रांच है उसके बारे में। तो नंबर दो की बात होगी मथुरा। मथुरा के बारे में अगर हम बात करें तो मथुरा में क्या है कि जो मथुरा वाली ब्रांच है उसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग पहले मालवा के अंदर थे। ठीक है, मथुरा वाली ब्रांच है, ये लोग पहले कहाँ थे? मालवा में। और मालवा में होता ये है कि एक विक्रमादित्य नामक शासक इनको पराजित कर देता है और ये समय है 57 ईसा पूर्व। ठीक है, और इस समय फिर क्या होता है, इनको हराने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, मथुरा वाली ब्रांच है वो आती है मालवा से, यानी पहले मालवा में है, फिर विक्रमादित्य नामक शासक क्या है, इनको मालवा से हरा करके क्या कर देता है, मथुरा भेज देता है। ठीक है, और जो विक्रमादित्य है ये क्या है, इनको हराने के बाद में क्या है, विक्रम संवत की स्थापना करता है। ठीक है, और आगे अगर देखें तो यहाँ की अगर शासकों की बात करें तो मथुरा के प्रथम शासक थे, वो थे राजूल। ठीक है, ये प्रथम शासक थे जो मथुरा वाली ब्रांच है या मथुरा की छत्रप है उसके प्रथम शासक थे राजूल, और उसके बाद उसका पुत्र बनता है शासक, उसका नाम है सोडास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो के बारे में चर्चा की और दो शाखाओं के अंतर्गत हमने देखा कि एक शाखा है, उत्तरी शाखाओं की हम बात कर रहे हैं, एक शाखा है तक्षशिला, तक्षशिला के अंतर्गत माउस, एजेज और एजेलिस शासक बनते हैं, लगभग 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहता है ज़्यादा मोटे तौर पर। और फिर दूसरी जो क्षत्रप है वो है मथुरा की, मथुरा के अंतर्गत हमने देखा कि मथुरा की जो ब्रांच है पहले मालवा में थी और मालवा से क्या है, विक्रमादित्य नामक शासक इनको पराजित कर देता है और भेज देता है कहाँ पर, मथुरा, या ये लोग आ जाते हैं मथुरा। और विक्रमादित्य इनको जब पराजित करता है तो 57 ईसा पूर्व में क्या है, विक्रम संवत की स्थापना करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रम संवत की तिथि क्या है, तो 57 ईसा पूर्व। ठीक है, मथुरा ब्रांच की अगर शासकों की बात करें तो पहला जो शासक है वो है राजूल, फिर इसका पुत्र बनता है सोडास। ठीक है, तो ये थी दो उत्तरी जो क्षत्रप हैं शकों की, उसके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं जो पश्चिमी क्षत्रप हैं उनके बारे में, और पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत हैं नासिक और उज्जैन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग बात करें शकों के बारे में, और शकों के अंतर्गत हमने जो उत्तरी शाखा थी या उत्तरी क्षत्रप है उसको हमने देख लिया। इसके अंतर्गत हमने तक्षशिला और मथुरा के बारे में देखा, अब हम देखेंगे पश्चिमी क्षत्रप के बारे में। पश्चिमी क्षत्रप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है एक तो नासिक और दूसरी है उज्जैन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नासिक वाला क्षत्रप है उसके बारे में। ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप के अंतर्गत नासिक की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत दो शासक होते हैं, एक तो है भूमक और दूसरा है नैपान। ठीक है, दो नासिक शाखा के दो महत्वपूर्ण शासक हैं, एक तो है भूमक और दूसरा है नैपान। अब अगर नैपान की अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, इसका जो क्षेत्र है वो है काठियावाड़ा, गुजरात वाला जो क्षेत्र है वो अभी का जो महाराष्ट्र है उसका काफ़ी भूभाग इसके अंतर्गत था। ठीक है, पश्चिमी मालवा,
पश्चिमी मालवा इसके अंतर्गत था, ठीक है, काठियावाड़ा गुजरात महाराष्ट्र पश्चिमी मालवा, और उत्तरी कोंकण ये महाराष्ट्र में आ जाएगा, और पूना वाला जो क्षेत्र है वो, यानी इतना बड़ा इसका साम्राज्य था नेपान का। कह सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षत्रप हैं उसके अंतर्गत जो नेपान है वो काफ़ी मजबूत स्थिति के अंतर्गत था, ठीक है। और जो पेरिप्लस है, पेरिप्लस नामक ग्रंथ है, उसके अनुसार इसकी राजधानी के बारे में बताया गया है, यानी इसकी जो राजधानी की लोकेशन है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो है पेरिप्लस, और उसके अनुसार बताया गया है कि मिन्नगर नामक जगह इसकी राजधानी थी, जो उज्जैन व भड़ोच के मध्य थी, उज्जैन और भड़ोच के मध्य में मिन्नगर नामक जगह थी, जो क्या है नेपान की राजधानी होती थी, ठीक है। आगे क्या होता है कि शक शासक हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, और गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या करते हैं, इसको पराजित करते हैं और मार डालते हैं, ठीक है। नेपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी पराजित करता है और उसके बाद में मार डालता है, ठीक है। और अभी क्या है कि एक जगह है जोगलथम्पी, महाराष्ट्र में एक जगह है जोगलथम्पी, यहां से क्या है नेपान के बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत सारे इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, और इन सिक्कों को क्या है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ये पुनः अंकित करवाता है, पुनः अंकित करवाता है, ठीक है। यानी जोगलथम्पी से सिक्कों का ढेर मिला है, और वो सिक्के ओरिजिनल में तो थे नेपान के, लेकिन बाद में क्या होता है नेपान को पराजित करने के बाद में जो सातवान शासक है दक्षिण का वो क्या करता है इसके सिक्कों को दोबारा से अंकित करवाता है, ठीक है। तो ये थी जो नासिक के शक क्षत्रप हैं उसके बारे में जानकारी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उज्जैन का जो क्षत्रप है उसके बारे में, नासिक के बारे में हमारी जानकारी ये है कि यहाँ दो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, एक तो है भूमक, दूसरा है नेपान, और नेपान ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके राज्य की अगर बात करें तो काठियावाड़ा गुजरात पश्चिमी मालवा कोंकण पूना, कहने का मतलब यानी अभी का जो गुजरात है उसका ज़्यादातर भूभाग और महाराष्ट्र का ज़्यादातर भूभाग उसके अधिकार क्षेत्र में था। और इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो जो पेरिप्लस नामक ग्रंथ है उसमें इसकी राजधानी बताई गई है मिन्नगर, ठीक है। और मिन्नगर की लोकेशन की अगर बात करें तो उज्जैन और भड़ोच के बीच में इसकी राजधानी होती थी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से इसका टकराव होता है या दोनों के बीच में युद्ध होता है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी इसको पराजित करता है और फिर मार डालता है, ठीक है। और एक जगह है महाराष्ट्र में जोगलथम्पी, यहाँ से क्या है नेपान के सिक्कों की प्राप्ति हुई है, सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं, और उन सिक्कों पे क्या है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो दोबारा से अपने नाम से उन सिक्कों को अंकित करवाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उज्जैन वाली ब्रांच के बारे में। उज्जैन, ठीक है, तो उज्जैन अभी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है, और यहाँ की अगर ब्रांच की बात करें तो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध था रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन क्या है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक है, और
स्वतंत्र शासक की अगर बात करें तो वो था स्वतंत्र शासक चेस्टन, यानी यहाँ का स्वतंत्र शासक था सबसे पहले चेस्टन, और सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रुद्रदामन के बारे में जो ज्यादा जानकारी मिलती है वो है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन का जो शासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, सुदर्शन झील से ये जानकारी मिलती है। और रुद्रदामन के बारे में जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रुद्रदामन काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान टाइप के शासक थे, और संगीत में, तर्कशास्त्र में, राजनीति में निपुण शासक थे। यानी कह सकते हैं कि संगीत में, तर्कशास्त्र, राजनीति आदि के विद्वान थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि काफी विद्वान टाइप के शासक थे। आगे जो उज्जैन की शक शाखा है रुद्रदामन वाली, उसके एक शासक होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम शासक थे रुद्र सिंह तृतीय। ये जो रुद्र सिंह तृतीय हैं रुद्रदामन वाली शाखा के उज्जैन के, इनको क्या है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर मार डाला। ठीक है, पहले पराजित किया और फिर मार डाला, और फिर क्या है, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। ठीक है, तो ये था उज्जैन के जो शक शासक हैं उनके बारे में जानकारी। अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय हैं, और उनको क्या है, विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं गुप्त शासक, वो पराजित करते हैं और फिर यहाँ पर व्याघ्र शैली के सिक्के प्रचलित करवाते हैं। ठीक है, ये व्याघ्र शैली के जो सिक्के हैं ये चांदी के सिक्के थे। तो ये थी उज्जैन की शाखा के बारे में। अगला जो भारी शक्तियों के अंतर्गत जो जाति आती है वो है पहलव। हमने यहाँ पर हिंद यवन के बारे में देखा, ठीक है, यानी ग्रीक के बारे में देखा, फिर शकों के बारे में देखा, अब हम देखेंगे पहलव, और अंत में देखेंगे कुषाणों के बारे में, यानी GSPK, ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो ग्रीक के बारे में देख चुके हैं, शक के बारे में देख चुके हैं, अब देखेंगे हम पहलव के बारे में, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कुषाणों के बारे में। ठीक है, तो अगला है पहलव। पहलव ये भी क्या है, मध्य एशिया से या ईरान से भारत आए। ठीक है, मध्य एशिया वाले भाग से ये भी आते हैं। ठीक है, ईरान से भारत में आते हैं, और
पर्शियन जो साम्राज्य है या पर्थियन जो साम्राज्य है पहला वाला, उसके वास्तविक संस्थापक थे, वो थे मिथ्रेडस। संस्थापक की अगर बात करें, संस्थापक हैं मिथ्रेडेटस। ठीक है, ये पहलव जो वंश है या पहलव जो साम्राज्य बन रहा है, इसके संस्थापक थे मिथ्रेडेटस। ठीक है, और इस वंश का सबसे जो प्रमुख शासक है, प्रमुख शासक वो है गोंडाफर्निस। ठीक है, इस वंश के सबसे प्रमुख शासक हैं, वो है गोंडाफर्निस। और गोंडाफर्निस क्या है, 20 से 41 ईस्वी तक शासन करता है। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या बनाते हैं ये, तक्षशिला। तक्षशिला क्या है इनकी राजधानी। ठीक है, पहलों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और गोंडाफर्निस से संबंधित एक हमें अभिलेख मिलता है, वो है तख्ते बही का अभिलेख। गोंडाफर्निस से संबंधित तख्ते बही पेशावर में मिल रहा है अभिलेख, प्राप्त होता है। ठीक है, गोंडाफर्निस से संबंधित है तख्ते बही अभिलेख। और आगे अगर बात करें गोंडाफर्निस के समय की, क्या है एक महत्वपूर्ण घटना है कि इस समय एक ईसाई पादरी भारत में आता है, सेंट थॉमस। ठीक है, इस समय क्या है, सेंट थॉमस नामक पादरी भारत में आया ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यह प्रथम ईस्वी की बात है, प्रथम ईस्वी सन की बात है ये। और फिर ये दक्षिण भारत में चला जाता है, दक्षिण भारत जाता है, जहां फिर क्या है इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो पहलव के बारे में है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने देखा पहलवों के बारे में कि पहलव क्या है, भारत में ईरान से आ रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वहां से भारत में आ रहे हैं। और इनके जो संस्थापक हैं उनकी अगर हम बात करें तो संस्थापक हैं मिथ्रेडेटस। ठीक है, मिथ्रेडेटस नामक व्यक्ति ने इस साम्राज्य की स्थापना की। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें पहले वंश के, तो वो है गोंडाफर्निस। और गोंडाफर्निस 20 से 41 ईस्वी तक शासन करता है। राजधानी की अगर इसकी बात करें तो तक्षशिला को ये राजधानी बनाता है। ठीक है, गोंडाफर्निस से संबंधित हमें तख्ते बही अभिलेख प्राप्त होता है, जो पेशावर से प्राप्त हुआ है। और सेंट थॉमस नामक पादरी भारत में आता है गोंडाफर्निस के समय, अर्थात प्रथम ईस्वी सन के अंतर्गत भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गोंडाफर्निस के समय सेंट थॉमस भारत में आ रहा है। और फिर ये दक्षिण भारत में चला जाता है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो कभी जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म से संबंधित कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ, तो वो है पहला वंश के अंतर्गत सेंट थॉमस भारत में आते हैं, और ये समय है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का। ठीक है, तो ये जानकारी थी पहलव के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जैसे ग्रीक शक, पहलव और कुषाण, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रीक के बारे में हमारी चर्चा हो गई है, शक के बारे में, पहलव के बारे में, अब बचे हैं कुषाण। तो अगले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कुषाणों के बारे में। ठीक है, जो बाहरी शक्तियां आ रही है मौर्योत्तर काल में, उसमें अंतिम शक्ति के रूप में है कुषाण। ठीक है,
लेकिन अंतिम होते हुए भी क्या है, इनका जो साम्राज्य है वो काफी विस्तार लिए हुए है और मजबूत है। ठीक है, कुषाणों की अगर बात करें तो ये क्या है, ये भी मध्य एशिया से आ रहे हैं, मध्य एशिया से आते हैं और एक यूची जनजाति है, यूची जाति से इनका क्या है संबंध है, यानी मध्य एशिया खास करके जो मध्य एशिया में जो चीन से सटा हुआ भाग है वहाँ से आते हैं और यूची जनजाति या यूची कबीले से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, 165 ईसा पूर्व के आसपास होता क्या है कि चीन का एक कबीला है हिनहू, एक चीनी कबीला है, चीनी कबीला हिनहू, इनके साथ में क्या है कि जो यूची कबीला है उसके और हिनहू के बीच में क्या है युद्ध होता है या फिर क्या है इनके बीच में टकराव होती है और इससे क्या है कि ये हिनहू है इन्होंने क्या किया यूची जाति के नेता को मार दिया, नेता को मार दिया। ठीक है, यानी जो चीनी कबीला है हिनहू उन्होंने आक्रमण करके जो यूची जाति है उसके कबीले को मार दिया। अब ऐसे में क्या होता है कि जो यूची जाति है ये यहाँ से यूची जाति क्षेत्र छोड़कर या उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, यानी जो मध्य एशिया में इनका जो क्षेत्र था वहाँ इनके बीच में टकराव होती है और इनके नेता को मार दिया जाता है, ऐसे में क्या है कि ये फिर वहाँ से भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यूची जाति जब दूसरी जगह जाती है तो इनकी एक शाखा तो तिब्बत की ओर जाती है और जो दूसरी शाखाएं हैं वो भारत की तरफ आती है। ठीक है, यानी कुछ लोग तिब्बत की तरफ चल जाते हैं और कुछ कबीले हैं वो भारत की तरफ आते हैं। अब हम देखते हैं भारत में जो इनका प्रचार प्रसार, भारत में इनका जो क्षेत्र विस्तार हो रहा है उसके बारे में। भारत में क्या है कि सर्वप्रथम एक शासक हैं कुजुल कडफिसिज, ये कुजुल कडफिसिज हैं ये प्रथम शासक बनते हैं भारतीय जो क्षेत्र विस्तार हो रहा है उसमें। क्या है कुजुल कडफिसिज क्या है, ये पश्चिमोत्तर भारत में भारतीय साम्राज्य की नींव धरने वाले प्रथम शासक होते हैं। ठीक है, और पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने के बाद में क्या है कि ये तांबे के सिक्के चलाते हैं, तांबे के सिक्के चलाते हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुषाणों के बारे में और कुषाणों के अंतर्गत हमने देखा कि ये मध्य एशियाई जाति है, यूची जनजाति से बिलोंग करते हैं। 165 ईसा पूर्व के आसपास होता ये है कि एक चीनी कबीला है हिनहू, हिनहू और यूची जातियों के बीच में क्या है युद्ध होता है, ऐसे में यूची जाति का नेता मारा जाता है और फिर ये क्या है कि वहाँ से अपना जो क्षेत्र है वो छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और वहाँ से फिर यूची जाति क्या है बाहर निकलती है और एक शाखा उनकी चली जाती है तिब्बत में और दूसरी आती है भारत की तरफ। ऐसे में क्या होता है कि भारत में आने वालों के अंतर्गत कुजुल कडफिसिज क्या है प्रथम शासक होता है और यहाँ आने के बाद में जब ये भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है, भारत का पश्चिमोत्तर भाग जब ये विजित कर लेता है तो तांबे के सिक्के चलाता है। ठीक है, तो ये थी
कुजुल कैड फिशिज के बारे में जानकारी। अब जो दूसरा शासक आता है वो है कुषाणों का दूसरा शासक है विम कड फिशिज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुषाणों के दूसरे शासक विम कैड फिशिज के बारे में। कुडुल कैड फिशिज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में ये गद्दी पर बैठता है, और इसके बाद में क्या है कि जो तक्षशिला के आसपास का जो क्षेत्र है, तक्षशिला के आसपास क्षेत्र, उसको क्या है ये अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ठीक है, यानी पश्चिमोत्तर भारत का जो भूभाग है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, और इस कारण से क्या है इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक, कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? विम कड फिशिज को। ठीक है, और इसके बाद में क्या है कि सोने व तांबे के सिक्के चलाता है, तांबे के सिक्के चलाता है। ठीक है, पहले हमने देखा कि यूनानी है वो सोने के सिक्के चला रहे हैं, जो इंडो ग्रीक हैं वो, और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कुषाण शासक विम कड फिशिज क्या कर रहा है, सोने के सिक्के चला रहा है। ठीक है, जो सिक्के हैं इनके ऊपर क्या है, एक तरफ खरोष्टी लिपि है और दूसरी तरफ यूनानी लिपि है, यानी दो लिपियों के अंतर्गत इनके ऊपर लेख खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि जो इसके सिक्के हैं उनके ऊपर बैल, नंदी आदि के चित्र अंकित हुए थे। ठीक है, जो विम कैड फिशिज के सिक्के हैं उसके सिक्कों के ऊपर बैल, नंदी, त्रिशूल भी अंकित था, ये आकृतियां बनी हुई थी। इसके कारण क्या है कि इसको, इसकी आस्था शैव धर्म में प्रकट होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो आकृतियां हैं ये शैव धर्म से या शिव से संबंधित हैं, इस कारण से ऐसा माना जाता है कि विम कैड फिशिज है वो शैव धर्म को, उसकी शैव धर्म में आस्था थी या फिर वो उसने शैव धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो कुषाण साम्राज्य भारत में प्रचार प्रसारित हुआ है उसके बारे में। इसके अंतर्गत हमने देखा कुडुल कैड फिशिज के बारे में, प्रथम शासक है, तांबे के सिक्के चलाता है और पश्चिमोत्तर भारत के ऊपर अपना प्रचार प्रसार करता है या के ऊपर। दूसरा जो शासक है वो है विम कैड फिशिज, तक्षशिला के आसपास का या फिर भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है जिसके ऊपर कुडुल कैड फिशिज ने आक्रमण किया था, उसी को अब ये क्या करेगा, मजबूत करता है, और मजबूत करने के बाद में क्या है कि सोने व तांबे के सिक्के चलाता है, सिक्कों के ऊपर खरोष्टी व यूनानी लिपि में लेख लिखे हुए हैं, और सिक्कों के ऊपर बैल, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां अंकित हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि जो विम कैड फिशिज है उसकी शैव धर्म में आस्था थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण कुषाण शासक के बारे में, और वो है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क कुषाणों का शक्तिशाली शासक है, और इसके शासन की अगर हम बात करें तो 78 से 105 ईस्वी तक इसका शासन काल होता है, 78 से 105 ईस्वी तक। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो एक है पुरुषपुर जो पेशावर कहलाता है, और दूसरी थी मथुरा, यानी दो राजधानियां बनाकर के ये शासन करता था। एक पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी थी उसका नाम था पुरुषपुर, और दूसरी है जो उत्तर भारत के अंदर इसका साम्राज्य था उसकी है और उसका नाम है मथुरा। ठीक है, इसके राज्यारोहण की जो तिथि है वो है 78 ईस्वी, और
इस समय ये क्या करता है, शक संवत चलाता है, शक संवत प्रारंभ करता है, ठीक है। और यही संवत क्या है, हमारा भारत सरकार इसको प्रयोग में लेती है, यानी भारत सरकार का जो कैलेंडर बनता है वो शक संवत को आधार बना करके किया जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो सबसे पहले जो कनिष्क है इसका होता है चीन के साथ में युद्ध, चीन के शासक के साथ युद्ध, ठीक है, चीन के शासक के साथ इसका युद्ध होता है। और शासक हैं उस समय पान चाओ नामक चीन के शासक हैं, उनसे इनका युद्ध होता है, जिसमें ये पहले क्या है, पराजित होते हैं, पहले पराजित लेकिन बाद में क्या है, विजयी होते हैं, ठीक है। नंबर एक की घटना कनिष्क से जुड़ी हुई है, वो क्या है, चीन के साथ में युद्ध या चीन के शासक के साथ युद्ध, शासक हैं पान चाओ, इसमें पहले पराजित होते हैं और दूसरे क्या है, विजय होते हैं। एक जो इनके राज्यारोहण की तिथि है 78 ईस्वी, इस समय ये शक संवत चलाते हैं जो भारत सरकार का भी संवत है, ठीक है। दूसरी जो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। कनिष्क के समय क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और जगह है कश्मीर का कुंडल वन, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। और इससे क्या है कि उसके बौद्ध धर्म के अंदर उसकी जो आस्था थी वो काफी अच्छी तरीके से प्रकट होती है, ठीक है। इस संगीति के अंतर्गत होता यह है कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान, इन दो संप्रदायों में क्या है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है वो स्पष्ट रूप से क्या है, हीनयान और महायान नामक दो अलग संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, इस कारण भी ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। कनिष्क के समय जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है वो है कि इसके समय दो कला शैलियों का विकास होता है, कला शैलियों का, नंबर एक कला है वो है गांधार कला और नंबर दो की अगर बात करें तो नंबर दो है मथुरा कला, ठीक है। मथुरा कला और गांधार कला शैलियां प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत कनिष्क के समय में इनका विकास होता है, ठीक है। जो गांधार कला है उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जो इंडो ग्रीक शैली है उसका प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है, या यूनानी जो कला है उसका इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें क्या है कि गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनती हैं, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां यहां पर बनती हैं स्लेटी पत्थर के ऊपर इनकी बुद्ध बोधिसत्वों की, और ये क्या है, मूर्ति निर्माण की शुरुआत हो रही है अभी, ठीक है। और एक खास बात क्या है इस शैली की कि यहाँ पर जो यूनानी देवता है अपोलो उसकी नकल की जा रही है, ठीक है, यूनानी देवता अपोलो की नकल, यानी जो बुद्ध है उसको अपोलो जैसा उसका जो शरीर है वैसा बना करके और यूनानी नकल करके उसको प्रकट किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर आध्यात्मिकता की जगह भौतिकता ज़्यादा प्रदर्शित की गई है, यानी जो भगवान बुद्ध है उसको क्या है, हष्टपुष्ट और
जो यूनानी देवताएं हैं जैसे बाल घुघराले ओना, इस तरह की जो चीज़ें वहां पर प्रदर्शित की जाती थी मूर्तियों के माध्यम से, वैसा ही क्या है गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध को यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगली जो दूसरी शैली है वो है मथुरा कला। और मथुरा कला की अगर बात करें तो बुद्ध की जो सबसे पहले मूर्ति निर्माण होती है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति, ये इसी शैली के अंतर्गत होती है मथुरा कला के अंतर्गत। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी की ये घटना है। आगे अगर देखें तो इसमें लाल बलुआ पत्थर प्रयोग में लिया गया है, लाल पत्थर, ठीक है, मथुरा कला के अंतर्गत। और वहां पर क्या है स्लेटी पत्थर यूज में लिया जा रहा था गांधार कला में, और यहां क्या है लाल बलुआ पत्थर यूज में लिया जा रहा है। आगे अगर देखें तो इस कला के अंतर्गत जैन, हिंदू व बौद्ध, कहने का मतलब तीनों धर्मों की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, तीनों धर्मों से संबंधित जो देवता हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि भौतिकता की बजाय आध्यात्मिकता का ज़्यादा चित्रण किया गया है, मथुरा कला में आध्यात्मिकता के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हमने दो कलाओं के बारे में देखा, एक मथुरा कला है कनिष्क के समय में हो इनका विकास हो रहा है, और दूसरी है मथुरा कला। गांधार कला की विशेषता ये है कि सलेटी कलर के ऊपर बुद्ध और बोधिसत्वों की सलेटी पत्थर के ऊपर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, भौतिकता का पुट उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जो यूनानी देवता है अपोलो उसकी नकल वहाँ पर ज़्यादा की गई है। ठीक है, यानी जो बुद्ध हैं उनको बलिष्ठ रूप में दिखाया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण कला इस समय विकसित होती है वो है मथुरा कला। और मथुरा कला की अगर हम बात करें तो जो लाल बलुआ पत्थर है उस पत्थर से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ इस कला के अंतर्गत बनाई जाती हैं। सबसे पहले जो बुद्ध की मूर्ति बनती है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनती है। ठीक है, और इस कला के अंतर्गत भौतिकता के बजाय यहाँ पर क्या है आध्यात्मिकता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये थी कनिष्क के समय जो कला शैलियाँ विकसित होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ कनिष्क के बारे में हम देखें कि चीन के शासक के साथ युद्ध हो रहा है, पान चाओ के साथ में, पहले पराजित होता है फिर विजय होता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रही है कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, हीनयान और महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित होता है, और दो कला शैलियाँ गांधार और मथुरा का यहाँ पर विकास होता है। ठीक है, आगे अगर कनिष्क के बारे में बात करें तो कनिष्क ने पुरुषपुर में एक टावर का निर्माण करवाया, 400 फीट ऊंचे टावर का निर्माण करवाया, और इस टावर को नाम दिया गया संगाराम के नाम से, उसको बोला जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक 13 मंजिल का उन्होंने टावर का निर्माण करवाया। और उस विशाल टावर को बनाने के बाद में उसके ऊपर क्या है कि एक लोहे का छत्र भी लगाया गया। ठीक है, जो टावर बनाते हैं वो 13 मंजिला है, ऊपर एक लोहे का छत्र लगवाते हैं। ठीक है, मंजिल 13 मंजिल का है और ऊपर एक छत्र लगवाते हैं, और इसी टावर के पास में क्या है कि एक विशाल संगाराम निर्मित करवाता है, संगाराम निर्मित करवाता है। ठीक है, एक तो टावर बनवाया है 400 फीट ऊंचा, और उसी के बगल में क्या है कि एक संगाराम निर्मित करवाता है,
जो क्या है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं या बौद्ध भिक्षु वगैरह हैं उनके लिए रहने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि जो उनकी आस्था है उसको प्रकट करने के लिए वो चीज़ निर्मित करवाई थी। ठीक है। और इस संगाराम को फिर बाद में कनिष्क का चैत्य के नाम से ये प्रसिद्ध होता है, यानी इसको कनिष्क का चैत्य कहा जाता है। और इसके जो वास्तुकार हैं, कई बारी पूछ लेता है कि कनिष्क का जो चैत्य है उसके वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार हैं इसके आंगिलस। ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो कनिष्क की उपलब्धियां हैं उनके बारे में देख रहे हैं, और उपलब्धियों के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा जो पुरुषपुर के अंतर्गत एक टावर बनाता है, 400 फीट ऊंचा, 13 मंजिल का है, और उसके ऊपर एक लोहे का छत्र लगवाता है। ठीक है। उसी के बगल में क्या है, एक विशाल संगाराम निर्मित करवाता है जिसका नाम क्या है, कनिष्क का चैत्य। ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन है, अंगिलस। आगे अगर कनिष्क के बारे में देखा जाए तो नगर निर्माण के अंतर्गत कनिष्क ने कनिष्कपुर और सिरपक के नजदीक, यानी जो पश्चिमोत्तर भारत है वहीं पर एक तो कनिष्कपुर नामक नगर बसाता है, और दूसरा क्या है, सिरपक नामक नगर के समीप दूसरा नगर बसाता है, यानी लगभग दो महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना करता है। कनिक से जुड़ी हुई एक जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि कनिष्क के समय जो सिल्क रूट, यानी जो मध्य एशिया से होकर यूनान तक के भाग को जोड़ता था, सिल्क रूट के जो तीन केंद्र थे, तीन मुख्य केंद्रों पर कनिष्क का अधिकार था। ठीक है। ये सिल्क रूट क्या है कि चीन से होकर के एक तो जो कैस्पियन सागर है उसकी तरफ रास्ता जाता था, एक लाल सागर की तरफ रास्ता जाता था, एक भारत की तरफ रास्ता आता था, और एक यूनान की तरफ चला जाता था। तो इन तीनों रास्तों के ऊपर जो इनका सिल्क रूट का जो केंद्र होता था मध्य एशिया में, उसके ऊपर क्या है, कनिष्क का अधिकार होता था। आगे अगर सिक्कों के बारे में बात करें, सिक्के, तो कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, और ये 124 ग्रेन के होते थे। ठीक है। इनकी जो वजन होता है या इनका माप होता था वो है 124 ग्रेन शुद्ध सोने के सिक्के ये चलाता है। ठीक है। और इसके समय ताम्र सिक्के भी चलते हैं, तो सोना और तांबे के सिक्के इस समय चलते हैं, चांदी के सिक्कों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। अगर कनिष्क के समय जो विद्वान इसके दरबार में आश्रय पाते थे उनके बारे में अगर हम बात करें, विद्वानों के बारे में, तो एक हैं वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष, चरक, ये उस समय के महत्वपूर्ण विद्वान थे, या कह सकते हैं अलग अलग विषयों के जानकार थे, तो
जो कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे, और कनिष्क का एक पुरोहित था संगरक्ष। संगरक्ष ये क्या है? कनिष्क का पुरोहित था, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात की वसुमित्र के बारे में, तो वसुमित्र क्या है कि जो चतुर्थ बोध संगीति होती है उसकी अध्यक्षता करता है, और अश्वघोष है ये क्या है उसकी इस संगीति का उपाध्यक्ष बनता है। चरक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये चिकित्सा से जुड़े हुए थे, या ऐसे कह सकते हैं कि इनकी एक पुस्तक भी है चरक संहिता, तो वो क्या है शरीर विज्ञान के बारे में रचित है, तो ये एक चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में इनका हम नाम ले सकते हैं। और जो नागार्जुन है वो भी इनके दरबार को सुशोभित करते थे, ठीक है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष, चरक और संगरक्ष उस समय के कनिष्क के दरबार में महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कनिष्क के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में। कनिष्क के उत्तराधिकारी, ठीक है, कनिष्क के बाद में, कनिष्क का जो शासनकाल है काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद में जो शासक आते हैं वो है वशिष्क। कनिष्क का पुत्र है वशिष्क, कनिष्क का पुत्र, ठीक है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है वशिष्क के बारे में। और उसके बाद में आता है हुविष्क, दूसरा जो उत्तराधिकारी है वो है हुविष्क। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने कश्मीर के अंतर्गत हुविष्कपुर नामक या हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। और इसके समय आते आते क्या होता है कि कुषाणों का जो साम्राज्य है वो हाथ से निकलना शुरू हो जाता है, और फिर हुविष्क के बाद में वासुदेव कुषाणों का चौथा नंबर का उत्तराधिकारी आता है। और इसके समय क्या होता है कि लगभग जो पश्चिमी उत्तर भाग है कुषाणों के हाथ में था, भारत का पश्चिमी उत्तर भाग, वो धीरे धीरे इनके हाथ से निकलने लग जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो उत्तराधिकारी हैं ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं, या कमज़ोर उत्तराधिकारी आने लग जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, एक तो ईरान का सासानियन, ईरान का वंश है एक तो सासानियन, और दूसरा है भारतीय वंश नाग भार शिव। ये दोनों क्या है जो कुषाण साम्राज्य था उसके ऊपर नजर गड़ा देते हैं, यानी एक तो ईरान का सासानियन और दूसरा है भारत का नाग भार शिव। ये दोनों क्या है कि जो कुषाण साम्राज्य के कमजोर पड़ने के कारण या उत्तराधिकारी कमजोर होने के कारण क्या है कि एक तरफ सासानियन उनके अधिकार क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने लगता है, और दूसरी तरफ जो भारतीय तरफ से है नाग भार शिव वो क्या है भारतीय हिस्सों को हड़पने लग जाते हैं, या फिर एक तरफ सासानियन उनके क्षेत्र के ऊपर अधिकार करता है और दूसरी तरफ नाग भार शिव हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या है इनके साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। तो ये था जो भारी शक्तियां हैं मौर्यत्र काल में भारत में अलग अलग समय में आती हैं। इसके अंतर्गत हमने चर्चा की सबसे पहले जो हिंद यवन आ रहे हैं उनके बारे में, फिर जो दूसरी शक्ति आती है कुषाण उनके बारे में, तीसरी शक्ति जो आती है पहलव उसके बारे में हमने देखा, और अंतिम शक्ति के रूप में देखा हमने कुषाणों के बारे में, ठीक है। और अगले टॉपिक के अंतर्गत जो भारतीय राजवंश हैं जो मौर्यत्र काल में विकसित होते हैं, खास करके सातवाहन, कर्णव, वाकाटक, शुंग
आदि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।